गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक इसमें 6 वीडियो हो चुके हैं, आज हम लोग 7 वीडियो लेकर के आए हैं और इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इनसे क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं पहले देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो बनता है वो पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा प्रसुप्त है और कौन सा शांत। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इनका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, किस देश में है। तो आपको ऑप्शन मिलाने के लिए आ सकता है इनको देते हुए, साथ में कंट्रीज़ के नाम उनको आप मिलाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन इंसुलेटेड कॉन्सेप्ट से आता है कि ज्वालामुखी क्रिया से संबंध, जो प्लेट टेक्टोनिक हैं उनकी गतिविधियों से संबंध इनका क्या है, इन पर क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन आता है इनसे निकले हुए पदार्थों को लेकर, और पाँचवा क्वेश्चन आता है इनके प्रकार को लेकर। तो इन क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम लोग सिविल सर्विस की जो परीक्षाएँ हैं उनके लेवल से पढ़ेंगे, और ये वन डे एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ज्वालामुखी के अंगों के बारे में। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनके नाम बार बार आते हैं, उनका जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो पहले देखते हैं कौन कौन से हैं उनके अंग। आइए, ज्वालामुखी का जहाँ से सेंट्रल जो उद्भेदन होता है, जहाँ से निकलता है पदार्थ, इसको बोलते हैं पाइप, ज्वालामुखी पाइप। और जहाँ से ये बाहर की तरफ निकलता है इसको बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। छिद्र ही जब बड़ा होता है तो बाद में बनता है क्रेटर, और क्रेटर जब विशाल हो जाता है तो बनता है काल्डेरा। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी केवल आप इनके अंग जानिए कि कौन से होते हैं। जो इसका ये आकार होता है ज्वालामुखी के जमने के बाद का जो शेप बनता है उसको बोलते हैं शंकु। तो ये कुछ खास बातें हैं जिनको लेकर के क्वेश्चंस बार बार ये वर्ड आएंगे कि ज्वालामुखी पाइप या छिद्र या क्रेटर या काल्डेरा या शंकु। तो इनको लेकर के कुछ अंग हैं जिनको मैंने आपको क्लियर किया। अब क्या क्या निकलता है ज्वालामुखी से, तो सबसे पहला जो आपका जो क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। तो इनके जो निस्सृत पदार्थ हैं उनको सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन बनता है कि ज्वालामुखी उद्गार से सर्वाधिक निकलने वाला पदार्थ कौन सा है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को कहते क्या हैं। देखिए, ज्वालामुखी से जब भी गर्म तप्त जो भी तरल पदार्थ है वो सम्मिलित रूप से क्या होता है, मैग्मा। जब अंदर होता है तो उसका नाम होता है मैग्मा, और यही मैग्मा जब बाहर निकल के आके ठंडा हो जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है जलवाष्प, गैसें, मिट्टी के कण, चट्टानें, राख, इनमें सम्मिलित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनमें सर्वाधिक मात्रा में पाया क्या जाता है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले उसमें मिलता क्या है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पाया जाता है जलवाष्प। एक क्वेश्चन आया है कि सबसे सर्वाधिक मात्रा में क्या आता है, मिलता है तो जलवाष्प, और इसकी मात्रा कितनी होती है, 60-90%। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखिए कि जो ज्वालामुखी से निकलती हैं गैसें उनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा होता है, तो जलवाष्प होता है, वो 60-90%। इसके बाद इनमें प्रमुख गैसें कौन कौन सी होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा तीसरा नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो हो गई इनकी प्रमुख गैसें। इनके अलावा जो अन्य गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO लिख दे तो काम चल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद हीलियम। तो ये कुछ अन्य गैसें हैं जो इनमें मिलती हैं। तो सबसे पहले गैसों के क्रम में हमने देखा सबसे ज़्यादा क्या होता है, जलवाष्प। तीन प्रमुख कौन सी, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। और इनमें अन्य कौन कौन सी होंगी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम।
गैसों के अलावा जो कण निकलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, उनको उनके आकार के आधार पर भी उनको कुछ नाम दिए गए हैं। तो जो राख मिश्रित कण हैं उनको देखिए क्या बोलते हैं, तो आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों चूँकि हमें आपको बहुत सारी बातें बतानी होती हैं और बोर्ड पे जगह हमें कम टाइम देना पड़े, इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें पहले से मेंशन कर रखते हैं, तो हमें बार बार मिटाना पड़ता है। तो जैसे एक टॉपिक पूरा हो गया आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं, इसमें जो और निकलते हैं पदार्थ उनको क्या कहते हैं। इसमें आते हैं लैपिली, बॉम्ब, ब्रेसिया। लैपिली, बॉम्ब, ब्रेसिया। एक इसमें छोटा सा जो सबसे छोटा कण होता है उसको टफ भी बोलते हैं, टफ, लैपिली, बॉम्ब, ब्रेसिया। एक्चुअली जो सबसे छोटे कण होते हैं जो राख और धूल से उनके मिलने से बनते हैं छोटे कण, तो वो होते हैं टफ। और उनका आकार जब छोटे छोटे चट्टानों में बदल जाता है यानी कि बड़े बड़े टुकड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं लैपिली। बॉम्ब जो होते हैं ये चट्टानों के बड़े टुकड़े होते हैं, और ब्रेसिया ये थोड़े नुकीले होते हैं और आकार में बड़े होते हैं। तो इनका आप याद रखिए कि टफ, लैपिली, बॉम्ब, ब्रेसिया, ये इनसे निकलने वाले पदार्थ हैं। तो इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन सा पदार्थ ज्वालामुखी से निकलता है, तो टफ, लैपिली, बॉम्ब, ब्रेसिया। तो हमने यहाँ पे जाना कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या निकलता है, मैग्मा। बाहर निकलता है क्या होता है, ठंडा होता है, उसको बोलते हैं लावा। इसमें कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, तो जलवाष्प। तीन प्रमुख गैसें कौन सी, तो आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। अन्य प्रमुख गैसों में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड। अन्य गैसों में आई जो पदार्थ निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, टफ, लैपली, बॉम्ब, ब्रेसिया। तो निश्चित पदार्थों को लेकर के एक छोटा क्वेश्चन बनता है जो आपको मैंने यहाँ पर बताया। अब देखते हैं कि इनमें प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इनका प्रकार। तो प्रकार देखिए, ज्वालामुखी को उनकी सक्रियता के आधार पर तीन प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा शांत ज्वालामुखी। वास्तव में होता क्या है, ज्वालामुखी सारे ज्वालामुखी हमेशा नहीं निकलते, कुछ तो एक्टिव हम रहते हैं जो समय समय पर उनमें उद्गार होता रहता है, कुछ का पिछले कई दशकों से या कई वर्षों से उनमें उद्गार नहीं हुआ है लेकिन संभावना है कि कभी भी हो सकते हैं, और कुछ जो है वो ऐतिहासिक रूप से शांत पड़े हुए हैं, उनमें उद्गार नहीं हो रहा है, इसलिए उनको शांत ज्वालामुखी का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले इन पर नज़र डालते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा प्रसुप्त है और कौन सा शांत। इसको हम लोग मैप के जरिए देखेंगे ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा कहाँ का है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें लिखा है किलायु, मौना लोवा। तो मैं आपको बताऊं कि हमने इनको एक क्रम में अरेंज किया हुआ जिससे आपको याद करने में आसानी हो। यहाँ पर मैप पे आपको कुछ जगह जानना ज़रूरी होगा, जैसे ये हवाई द्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंडिया की लोकेशन पता है, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो एक कॉमन मैप आपको, अगर आप इतनी तैयारी कर रहे हैं तो मैप पर तो आपको इतनी पकड़ होनी चाहिए, इसलिए हम लोग देखते हैं इनका जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर है। तो किलायु और मौना लोवा इनका नाम लिखते चलेंगे जिससे आपको याद होता चलेगा कि कौन सा कहाँ पर है। तो हवाई में है किलायु और हवाई में ही है मौना लोवा। जब आप एक बार इस मैप को देखोगे तो इसको हम अलग अलग कलर्स में लिखेंगे सारे नाम, तो इससे आपको याद हो जाएंगे। तो किलायु और मौना लोवा कहाँ पर है, हवाई में। अब मैं यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम नहीं लिखूँगा, कंट्रीज़ के नाम लिखने के लिए आप मेरा केवल लेक्चर सुनिए और बाद में इसको खोजिएगा कि कहाँ पर है, इससे आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं कोटोपैक्सी, ओजस डेल सेलाडो। तो कोटोपैक्सी है कहाँ पर, इक्वेडोर में, तो यहाँ पर है कोटोपैक्सी। दोस्तों अगर हमने देश का नाम लिख दिया तो ये आपके लिए किताब जैसा हो जाएगा, इसलिए आपको वीडियो देखना है, याद रखना है किस देश में है। आपको महाद्वीप याद होगा तो देश ज़रूर याद होगा, एक बार आप मैप सामने लेके बैठिएगा और देखिएगा कोटोपैक्सी कहाँ है,
इक्वेडोर में। कोटोपैक्सी की खास बात क्या है कि एक ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, कोटोपैक्सी। ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो जो है वो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, यहाँ पर। तो ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो। इसके बाद देखते हैं माउंट एटना। माउंट एटना कहाँ है? तो सिसली द्वीप पर है, सिसली द्वीप इटली के पास में है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एटना, ठीक है, भूमध्य सागर में। स्ट्रॉम्बोली तो उसी के उत्तर में एक्चुअली है, लेकिन हमने यहाँ जगह नहीं है, उसी के उत्तर में है लिपारी द्वीप, तो उसका नाम क्या होगा? स्ट्रॉम्बोली। तो ये भूमध्य सागर के हैं दोनों, कौन कौन से? एटना और स्ट्रॉम्बोली। स्ट्रॉम्बोली की खास बात क्या है? स्ट्रॉम्बोली से हमेशा गर्म गैसें हमेशा निकलती रहती हैं लावा। तो होता क्या है कि इस भूमध्य सागर में जो लिपारी द्वीप पर स्थित है, तो वहाँ पर इसकी वजह से उजाला रहता है, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो जो उसकी खास बातें अगर आप वो भी पता करते चलेंगे, जैसे ये क्या है? हाईएस्ट है। ये क्या है? तो इटली जो भूमध्य सागर का है उसको लाइट हाउस, उसका प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं स्ट्रॉम्बोली को। और यह है कहाँ पर? तो लिपारी द्वीप पर। स्ट्रॉम्बोली, लिपारी द्वीप, एटना, सिसली द्वीप। आपको देखिए याद करना है किलायू, माउनालोआ, हवाई, कोटोपैक्सी, इक्वेडोर, ओजस डेल सेलाडो, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर, एटना, सिसली, स्ट्रॉम्बोली, लिपारी। अब देखिए सुमेरी मेरापू दुकानो, ये नाम जो है थोड़ा अजीब है, ये हैं आपके इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया कहाँ है? यहाँ पर। तो इनको एक साथ लिखते हैं सुमेरू, मेरापी दुकानों। ये सभी एक्टिव हैं, आपको याद रहे सुमेरू, मेरापी दुकानों, इनसे पूछा जाएगा कहाँ पर है? इंडोनेशिया। इसके बाद लांगिला बागाना, ये हैं आपके पापुआ न्यूगिनी में। पापुआ न्यूगिनी कहाँ है? यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। तो यहाँ पर लांगिला बागाना। अब देखिए यासुर, यासुर क्या है? तो यासुर जो है वनुआतु द्वीप पर है। वनुआतु द्वीप जो है ये बगल में आप देखेंगे तो पॉलिनेशियन कंट्रीज हैं, द्वीप समूह हैं, तो यहाँ पर होगा यासुर। यासुर कहाँ है? वनुआतु द्वीप, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये अजीबोगरीब है, वनुआतु द्वीप। तो यासुर जो है वनुआतु द्वीप में है। अब देखते हैं बैरन द्वीप। बैरन द्वीप तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये भारत का ही नहीं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार के पास। तो बैरन द्वीप अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार के बिल्कुल उत्तर पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास में। तो कौन सा है यहाँ पर? बैरन द्वीप। और ये एक्टिव है। आपको बता दें कि अभी सितंबर 2018 में यहाँ पर उद्गार हुआ था। तो ये बैरन द्वीप है इंडिया का। पिटनडीला फोरनेस, पिटनडीला फोरनेस जो है ये फ्रांस का अधिकृत एक द्वीप है, रीयूनियन द्वीप। तो ये कहाँ पर है? तो ये रीयूनियन द्वीप है, रीयूनियन द्वीप, और ये फ्रांस के अधिकार में है। लेकिन इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन है यहाँ पर हिंद महासागर में। तो याद रहे, तो यहाँ पर कौन सा होगा? पिटनडीला फोरनेस। किसी भी चीज़ को मानचित्र से बेहतर याद करने का कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता। ये समय ज़रूर लगता है, लेकिन आपको अस्थायी रूप से दिमाग में यही बैठाएगा। एक बार रिवाइज कर, एक और ले लेते हैं, माउंट एरेबस। माउंट एरेबस कहाँ है? तो वो अंटार्कटिका में है। तो मैंने यहाँ पर अंटार्कटिका बनाया नहीं है, तो माउंट एरेबस। एरेबस यहाँ पर अंटार्कटिका में, ठीक है, माउंट एरेबस। अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं, जितने एक्टिव हैं। देखिए आपको कहाँ कहाँ, आपको उत्तरी अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। हवाई द्वीप समूह है, वहाँ से दो एक्टिव हैं। कौन कौन से हैं?
किलायु मोनालोवा। उत्तरी अमेरिका खत्म, हवाई उत्तरी अमेरिका में नहीं, दक्षिणी अमेरिका में आ जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में देखिए कौन कौन से हैं, तो एक इक्वेडोर में है, कौन सा है, कोटोपैक्सी, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। उसके बाद ओजस डेल सेलाडो, दक्षिण अमेरिका में दो हो गए। इसके बाद देखिए अफ्रीका से आपको कोई लेना देना नहीं, यूरोप से भी नहीं, भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों पर है। कौन कौन से, एटना सिसली द्वीप पर, स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर, और स्ट्राम्बोली क्या है तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसके बाद चलते हैं इंडिया में, इंडिया में बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में आते हैं सुमेरु मेरापी दुकानों। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी लांगिला बागाना, वनुआतु यासुर। इसके बाद देखिए रियूनियन द्वीप पिटंडीला फोरनेस और माउंट एरेबस अंटार्कटिका। तो इनको एक दो बार आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं कौन कौन से हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी और कहां कहां पर पाए जाते हैं। तो इसमें है विसुवियस, विसुवियस कहां पर है, इटली, तो इटली की जगह पर इसको रखिए, यहां पर है इटली तो इटली की जगह पर इसका नाम रख दीजिए विसुवियस, ताकि आपको याद हो जाए। और मैं जो नीले रंग से लिख रहा हूँ तो ये कौन सा होगा, प्रसुप्त, तो आपको याद रहे कि यूरोप में एक आपको याद रखना है वो कौन सा, विसुवियस, ठीक है, और वो कैसा है, प्रसुप्त है, हाँ, जो अभी बहुत दिनों से उद्गार नहीं हुआ है, कभी होने की संभावना है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ है, तो जापान, फ्यूजियामा जापान, लोकेशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, आप कंट्री से याद रखिएगा। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में, ये भी कैसा है, प्रसुप्त। क्राकाटाओ, क्राकाटाओ कहाँ है, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में देखिए आपको एक मिलेगा प्रसुप्त, वो कौन सा है, क्राकाटाओ, जावा और सुमात्रा के बीच में, बिल्कुल यहाँ पर जावा और सुमात्रा के बीच में है क्राकाटाओ, क्राकाटोआ। ये कैसा है, ये है प्रसुप्त, ये है प्रसुप्त, ये है प्रसुप्त। अब देखिए नारकोंडम द्वीप भारत, अंडमान अंडमान निकोबार, तो भारत के पास एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है और एक प्रसुप्त भी है, ये अंडमान निकोबार के बिल्कुल उत्तर पूर्व में स्थित है, तो इसकी स्थिति कहाँ होगी, यहाँ पर नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप, तो ये हो गए आपके प्रसुप्त। अब आपसे अगर प्रसुप्त पूछा जाए ना तो दिमाग में बैठाइए, इधर कहीं प्रसुप्त दिख रहा है, नहीं, इधर कहीं है, नहीं, कहाँ है, मेन चार याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं, विसुवियस इटली, नारकोंडम इंडिया, फ्यूजियामा तो जापान, क्राकाटाओ इंडोनेशिया, याद हो गए, आसानी से याद हो गए। अब आइए देखते हैं शांत ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है। शांत ज्वालामुखी के लिए देखिए आपको इसमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर, तो चिम्बाराजो एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका चलते हैं, तो इसमें देखिए चिम्बाराजो कहाँ होगा, इक्वेडोर में ही, ठीक है, इसी में आपको लिखना है चिम्बाराजो। मैंने इसको रेड में लिखा हुआ है शांत ज्वालामुखी। इसके बाद एकांकागुआ, एकांकागुआ चिली में है, तो इसको भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एकांकागुआ। ये कहाँ है, चिली में, और चिम्बारो जो कहाँ है, इक्वेडोर में। आप एक बार इसको मैप पर जरूर देखिएगा। किलिमंजारो अफ्रीका का एकमात्र ज्वालामुखी तंजानिया में, और वो भी कैसा है, शांत ज्वालामुखी है, कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो इसका क्या है, किलिमंजारो। एक बात याद रखिए, इससे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। को सुल्तान और देवबंद, ये दोनों कहाँ हैं, ईरान में, ईरान की स्थिति कहाँ होगी, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए को सुल्तान और देवबंद, इसी के ऊपर लिख दे रहा हूँ देवबंद, तो को सुल्तान और देवबंद। अब देखिए इनमें आसानी से आपको याद हो जाएगा,
अगर इनकी मैप पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर मैं इनको पहले से लिख रखा होता तो शायद आपको याद ना होता। माउंट पोपा म्यांमार, तो माउंट पोपा कहाँ, म्यांमार कहाँ होगा, यहाँ पर, तो यहाँ लिख लीजिए पोपा, तो आपको याद हो जाएगा म्यांमार। अब देखिए चार जगह आपको देखना है कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर चिम्बाराजो। अब देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से हैं मेन, तो ये कौन से हैं एक्टिव, ये कौन से हैं शांत, तो या तो एक बिल्कुल एक्टिव हैं या तो एकदम शांत हैं। दक्षिण अमेरिका याद, यूरोप में आते हैं तो भूमध्य सागर में एक्टिव, यूरोप में एक इटली में विसुपियस, वो कैसा है तो प्रसुप्त है, इसमें आपको शांत देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीका में केवल एक, कौन सा, किलिमंजारो, किलिमंजारो कैसा है शांत, तो अफ्रीका शांत वैसे भी महाद्वीप माना जाता है। ईरान, देवबंद को सुल्तान, सुल्तान नाम से थोड़ा आपको भी लगना चाहिए, देवबंद को सुल्तान। इसके बाद इंडिया के पास दो, कौन कौन सा, एक तो क्या है एक्टिव, दूसरा क्या है प्रसुप्त, तो इनमें बैरन द्वीप एक्टिव है और नारकोंडम प्रसुप्त है। इसके बाद आते हैं पोपा, तो म्यांमार, माउंट पोपा म्यांमार में शांत है। इसके बाद इंडोनेशिया में देखते हैं, इंडोनेशिया में आपको एक्टिव मिलेगा और प्रसुप्त मिलेगा, सुमेरू मेरापी दुकानो एक्टिव है, क्राकाटाओ प्रसुप्त है, लांगिला बागाना पापुआ न्यू गिनी, यासुर तो तान्ना द्वीप या वनुआतु, फ्यूजीयामा प्रसुप्त जापान में। तो एक बार इनकी आप प्रैक्टिस करिए, बार बार करेंगे बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा किनमें कौन सा सक्रिय है, कौन सा प्रसुप्त है और कौन सा शांत ज्वालामुखी है। इसका शॉर्टकट ले लीजिए, तो इसके बाद अगले प्रकार की ओर हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी। चलते हैं आगे, अब देखते हैं इनके अगले प्रकार कौन से हैं। ये तो हुआ सक्रियता के आधार पर, इसके बाद होता है केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर। केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर सवाल कैसे बनता है, पहले ये देखते हैं। वास्तव में जब यहां से निकलता है तो एक ही ऊपर केंद्रीय इसका उद्भेदन होता है, इनकी सक्रियता होती है, कुछ धीमे धीमे निकलते हैं, कुछ थोड़ी स्पीड में, कुछ थोड़ा ज़्यादा ब्लास्ट के साथ और कुछ बहुत ज़्यादा ब्लास्ट के साथ। तो एक सवाल आता है, इनमें से ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर क्रम सजाइए, तो उसमें आपको नाम आएगा, क्या क्या नाम रहेगा, तो जैसे मान लीजिए हवाई, स्ट्रांबोली, उसके बाद वल्केनो, उसके बाद पीलियन, उसके बाद आएगा प्लिनियन, ऐसे करके नाम आएंगे। तो कुछ ये नाम एक्चुअली हवाई तुल्य, स्ट्रांबोली तुल्य, वल्केनो तुल्य, पीलियन तुल्य, प्लिनियन तुल्य, ये कुछ नाम है। इनका क्रम सजाने को मिलेगा कि इसके उद्गार की सक्रियता बढ़ने के क्रम में इनको सजाइए। तो ऐसी स्थिति में इनके बारे में जानना भी जरूरी, क्योंकि इनसे बीच बीच से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पूछा जाता है किस ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है उसका आकार गोभी के फूल जैसा होता है, किससे पूछा जाता है कि पीलीज हेयर की संकल्पना की जो बात आती है, पीलीज हेयर, वो किस ज्वालामुखी के तहत पाए जाते हैं। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इनमें से निकल के आते हैं, तो आइए देखते हैं इनको। सबसे पहले देखते हैं हवाई तुल्य। हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी होते हैं ये शांत होते हैं, इनमें जो उद्गार होता है शांति से होता है, कम विस्फोट होता है और ये कम हानिकारक होते हैं, विनाशक होते हैं, तो कम विनाशकारी होते हैं। तो इनका जो क्रम होगा वो सबसे पहले आएगा। दूसरा, हवाई तुल्य की एक खास बात क्या है। हवाई तुल्य, दरअसल हवाई तुल्य का मतलब जो हवाई, मैंने आपको आइलैंड बताया था अमेरिका के पास में प्रशांत महासागर में,
तो हवाई में जब ये निकलता है तो लाल रंग के इनके जो लावा निकलते हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं, और वो लाल रंग के लावा ऊपर हवा में कुछ देर तक टंगे रहते हैं, जिससे वो दूर से ऐसा लगता है जैसे वो बालों की तरह हो, सर के बाल। तो हवाई लोग जो हवाई में रहते हैं उनकी एक देवी है पीली, तो पीली देवी के बालों की तरह उसकी वो पूजा करते हैं, इसीलिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पीलीज हेयर। कहीं कहीं पर पेले हेयर लिखा होता है, कहीं कहीं पर पीलीज हेयर। तो पूछा जाता है कि पीलीज हेयर का जो कॉन्सेप्ट है पीली के केस वो कहाँ से आता है, तो हवाई तुल्य से संबंधित है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताना समझा। और क्रम में क्या होता है, ये सबसे कम विनाशक होते हैं, शांति से इनमें विस्फोट होता है और इनमें धीरे धीरे उद्गार होता रहता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा है स्ट्राम्बोली तुल्य। स्ट्राम्बोली कहाँ पर है, लिपारी द्वीप पर, कहाँ, भूमध्य सागरीय। तो स्ट्राम्बोली तुल्य की खास बात क्या है, ये इससे थोड़ा ये भी कम सेकेंड यानी कि इससे अधिक अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होता है। इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा इससे ज़्यादा तेज, थोड़ा इससे ज़्यादा और इससे थोड़ा ज़्यादा विनाशक। तो क्रम के तौर पे इनको दूसरा रखा जाएगा स्ट्राम्बोली तुल्य। इनसे कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं आता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा आता है वल्कैनो तुल्य। वल्कैनो तुल्य जो है वो भी वल्कैनो, जैसे नाम वल्कैनो का मतलब ही ज्वालामुखी होता है, लेकिन वल्कैनो ज्वालामुखी का नाम ही है, ज्वालामुखी पर्वत का, वो लिपारी द्वीप पर है। तो उस लिपारी द्वीप की खासियत क्या है कि इनका जो केंद्रीय उद्बोधन होता है इनमें गैसें बहुत तेज़ी से झटका लगाती हैं और वो बहुत ऊपर तक उड़ के जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इनका जो उद्गार होता है बहुत तेज़ी से होता है, तो गैसें इनके उद्गार को, मैग्मा को उठा के लावा को ऊपर ले जाती हैं और ऊपर वो गोभी के फूल जैसा हो जाता है। तो इसमें गोभी के फूल जैसा जैसी आकृति वाला लावा आकृति का लावा या गैस निकलती है। तो इसमें गोभी के फूल जैसी आकृति, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वल्केनो में गोभी के फूल जैसी आकृति या गैस बनती है, तो किसमें, वल्केनो में। और इनकी जो सक्रियता होती है वो इनसे अधिक होती है, किससे, स्ट्राम्बोली से। तो ये विनाशक होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं, इनमें ब्लास्ट बहुत तेज होता है, तेज आवाज के साथ ही ब्लास्ट करते हैं। इसके बाद चौथा आता है पीलियन, पीलियन तुल्य। पीलियन तुल्य जो होते हैं वो सर्वाधिक विनाशक होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशक होता है, सर्वाधिक विनाशकारी, जिसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो है पीलियन तुल्य। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक विनाशकारी कौन सा होगा, तो पीलियन तुल्य। और इनमें सर्वाधिक तीव्र गति से विस्फोट, और इनका जो मैग्मा होता है वो गाढ़ा चिपचिपा होता है, इसलिए जब वो निकलता है बाद में वो बंद हो जाता है, फिर वो गैसें जोर से दबाव लगाती हैं, तो इसलिए ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं और ये काफ़ी दूर तक काफ़ी जनहानि भी करते हैं। तो ऐसे में आपका जो क्वेश्चंस क्लियर हुए वो कौन कौन से देखते हैं। पहला, इनका क्रम क्या होगा सक्रियता के आधार पर, तो हवाई, स्ट्राम्बोली, वल्केनो, पीलियन, ये इनका क्रम हो गया। इसके बाद इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पेलेज हेयर से संबंधित है, तो हवाई तुल्य। किस ज्वालामुखी के जो लावा गैस हैं वो गोभी के फूल जैसी आकृति के होते हैं, तो वल्केनो। कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है, तो पीलियन। तो यहाँ से जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें और कौन कौन का है उनको देखते हैं। अब देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक से क्या संबंध होता है इनका, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक समझने के लिए भी हमने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूँ कि जो हमारी पृथ्वी है वो 6 प्रमुख प्लेटों से बनी है और लगभग 20 छोटी छोटी प्लेटों से बनी हुई है। इसको भी हम प्लेट टेक्टोनिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें किनारे होते हैं, वो किनारे होते हैं, एक तो इसमें कन्वर्जन बाउंड्री होती है, एक डाइवर्जन बाउंड्री होती है, एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है। कन्वर्जन बाउंड्री कैसी होती है, जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं तो वो क्या होती हैं, अभिसारी होती हैं, कन्वर्जेंस होता है उनमें।
और जब दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अपसारी। इनको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। और एक होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जो एक दूसरे के समानांतर जाती हैं। तो अभी हमें इनसे यहाँ लेना देना नहीं है कि एक दूसरे के आसपास निकलती हैं। हमें दो इन मेनली इनका होता क्या है, जहाँ पर प्लेटें आपस में मिलती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हिमालय की उत्पत्ति एक तरफ से उत्तरी अमेरिका की तरफ से और दक्षिण सॉरी माफ़ कीजिएगा साइबेरिया की तरफ से और आपके गोंडवाना लैंड, तो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के मिलने की वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ये भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, दो प्लेटें मिल रही हैं, ऐसी प्लेटों को कहते हैं विनाशात्मक किनारे, विनाशी किनारे। अब आपने कहा कि हिमालय बना तो विनाशी किनारे क्यों? होता क्या है, अभी प्लेट टेक्टोनिक्स में आप पढ़ेंगे, जब दो प्लेटें मिलती हैं तो इसमें एक प्लेट नीचे चली जाती है, सबमर्ज हो जाती है, एक प्लेट ऊपर, तो जो नीचे जाती है उस प्लेट का विनाश होता है, इसीलिए उसे कहते हैं विनाशी किनारे। पढ़ते जाइए। अब सारी किनारे क्या होते हैं? ये होते हैं रचनात्मक किनारे। रचनात्मक किनारे क्यों होते हैं? कि जब भी इनका डाइवर्जेंट होता है, जैसे अटलांटिक महासागर में है तो इसकी अपसारी की उत्तरी दक्षिण अमेरिका एक तरफ और अफ्रीका देखिए दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है, तो ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? रचनात्मक किनारा। इन किनारों में क्या होता है कि जैसे प्लेटें निकलती हैं तो नीचे से मैग्मा ऊपर आता है और यहाँ पर सृजन होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में प्लेटों का क्षरण नहीं होता है बल्कि सृजन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रचनात्मक किनारा। अब इसको आप मैप पर अगर देखेंगे तो आप देखेंगे दुनिया के जितने किनारे ज्वालामुखी हैं वो किस किनारे के आसपास पाए जाते हैं? तो विनाशी किनारे के। तो जितने एक्टिव या मेन जो ज्वालामुखी हैं वो किसके किनारे पाए जाते हैं? तो विनाशी किनारे। अब आपके क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं। ज़्यादातर ज्वालामुखी किस किनारे पर पाए जाते हैं? तो अभिसारी, जहाँ पर कन्वर्जन बाउंड्री हो, कन्वर्जन बाउंड्री हो, विनाशी किनारों के पैरेलल पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। इससे और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाएंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के संबंध यही होगा कि जहाँ पर विनाशात्मक किनारे होंगे, जहाँ पर दो प्लेटें आपस में मिल रही होंगी, वहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होगा। कॉमन बात क्यों होगा? देखिए, यहाँ से एक प्लेट जाएगी, दोनों आपस में लड़ेंगी, एक नीचे जाएगी, तो क्या होगा? नीचे वाली जाएगी, नीचे तब गर्मी है तो वो पिघल जाएगी, पिघलने से क्या होगा, लावा मैग्मा जो है ज़्यादा बनेगा, तो उन पर दबाव बनेगा, और दबाने जो दबाव बनेगा तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ धक्का लगाएंगी और उनमें ज्वालामुखी जैसा विस्फोट हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलता है कि ज़्यादातर ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो प्लेटों के विनाशी किनारे पर या प्लेटों के अभिसारी किनारे पर, जहाँ पर दो प्लेटें आपस में मिलती हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित एक क्वेश्चन ये है, इनको और आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं कि ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखिए, एक तो पृथ्वी के अंदर बनती हैं आंतरिक, और दूसरी होती हैं बाह्य। आंतरिक में कौन कौन सी होती हैं? आपको याद हो हमने आपको चट्टान पढ़ाते समय बताया है लैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक, इनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि लैकोलिथ कैसा होता है, ऐसा, बैथोलिथ उसका थोड़ा बड़ा भाग खड़े ढाल वाला। आप इसको डिटेल में पढ़ने के लिए चट्टानों का वीडियो पढ़िए, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। फैकोलिथ का संरचना कैसी होती है? ऐसी। लोपोलिथ ऐसी होती है, सिल ऐसी, और डाइक ऐसी। इनमें वास्तव में होता क्या है, शॉर्ट में बताते हैं। दरअसल लैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ जितनी भी हैं, ये मैग्मा का जमाव होता है, जिस रूप में जमाव होगा वही इनका नाम पड़ जाता है। तो जो इनका ऊपर आकार होगा लैकोलिथ का तस्तरी नुमा, तो उसको क्या कहेंगे? दरअसल जब नीचे से मैग्मा दबाव लगाता है तो जो औसादी चट्टानें होती, परतदार चट्टानें ऊपर, वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं,
तो उनके नीचे क्या होता है, मैग्मा जमा हो जाता है। तो जिस आकृति में जमा होगा अपरदन के बाद बाहर दिखेगा, वही आकृति इनकी कहलाती है लैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक। इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप चट्टानों का वीडियो देखिए। इसके बाद देखते हैं बाह्य आकृतियों में कौन कौन सी बनती हैं। तो बाह्य आकृति का मतलब यहाँ पर जो कुछ आके लावा जमता है तो वो बनाता है शंकु। तो शंकु कौन कौन से बनाएगा, शंकु देखिए बनाएगा सिंडर शंकु, दूसरा सिंडर शंकु में क्या होता है, ये धूल और राख से बने होते हैं। आप अगर चींटी का ढेर समझे हों, चींटी का जहाँ बिल होता है तो उसके आसपास ढेर लगे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है, ये ज़्यादा ठोस नहीं होते, इनकी ऊंचाई जो है कुछ इंच से कुछ फीट तक होती है। तो सिंडर शंकु कम होते हैं इनकी ऊंचाई में। इसके बाद कंपोजिट शंकु, कंपोजिट शंकु जो होते हैं वो इनसे बड़े होते हैं और इनमें परतदार होती हैं, परतें होती हैं। और वास्तव में जो परतदार इसमें पाए जाते हैं, वास्तव में कंपोजिट शंकु ही सारे शंकुओं में सबसे बड़ा होता है, तो ये बिगेस्ट भी होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निर्मित स्थलाकृतियों में कौन सा शंकु सबसे बड़ा होता है, तो कंपोजिट शंकु। ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्थलाकृतियाँ ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हैं, तो इनके नाम भी आ सकता है और इनके नाम भी आ सकता है। इसके बाद आता है परपोषित शंकु। परपोषित शंकु क्या होता है, परपोषित शंकु होता है जैसे मान लीजिए यहाँ से उद्भेदन हो रहा है, अब इनमें कोई दरार मिल गई इधर, तो मैग्मा यहाँ से भी निकलेगा तो यहाँ भी क्या करेगा, वो एक शंकु यहाँ बना देगा। कोई दरार यहाँ मिल गई तो क्या होगा, जो लावा निश्रित होगा एक शंकु यहाँ भी बन जाएगा। तो मतलब इससे पोषण हो रहा है इनका, तो परपोषित। ये किनारे होते हैं और बीच बीच में दरार मिल जाने की वजह से होते हैं, जो ज्वालामुखी नली से दूसरी तरफ निकल जाते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं परपोषित शंकु। इसके बाद आता है चौथा, देखिए इनमें तो जो क्रेटर, क्रेटर क्या होता है, तो यहाँ पर जो इसका छिद्र होता है जब ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो इसी को कहते हैं क्रेटर। काल्डेरा, काल्डेरा वास्तव में एक बड़ा रूप होता है, बहुत विस्तृत रूप। जब ये यहाँ की चट्टानें बहुत दबाव से उड़ जाती हैं या फिर इनमें धसाव होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर काल्डेरा बनता है। तो क्रेटर के ही विस्तृत रूप को क्या कहते हैं, काल्डेरा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कौन से आते हैं, तो गेसर। गेसर क्या है, ये गर्म पानी के स्रोत हैं, गर्म पानी के स्रोत, इनसे उबलते हुए पानी निकलते रहते हैं, गर्म स्रोत। तो गेसर भी पूछा जाता है कि किससे बनते हैं, तो ज्वालामुखी से संबंधित हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो गेसर के अलावा आते हैं फ्यूम रोल्स, धुआरे, फ्यूम रोल्स इनको बोलते हैं। फ्यूम रोल्स क्या होते हैं, वास्तव में गैसें और जलवाष्प जब निकलती हैं तो एक लगता है जैसे बहुत सारा धुआं निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको कहा जाता है धुआरे। इसमें अलास्का में एक है 10,000 धुआरों की घाटी, अलास्का में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा अलास्का में की घाटी, जहाँ से बहुत सारे धुआरे एक साथ निकलते रहते हैं दरार के जरिए। और वास्तव में जो धुआरे होते हैं वो किसी ज्वालामुखी का अंतिम सिंबल भी होते हैं कि इससे पदार्थ अब निकल चुका है, तो बाद में गैसें और जलवाष्प वही निकलती रहती हैं। इसके अलावा इसमें जो धुआरे होते हैं यदि उनमें गंधक मिल जाता है, गंधक अगर मिलकर सल्फर अगर मिल जाता है, तो उनको कहते हैं सोल्फ तारे, सोल्फ तारा। तो सोल्फ तारा भी जब उनमें गंधक मिल जाता है इसमें धुआरे में गंधक, तो क्या बन जाएगा, सोल्फ तारा। तो ऐसी कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो इनसे स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अब ज्वालामुखी से संबंधित ये छोटे छोटे बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ज्वालामुखी अभी बचे हुए हैं जो वर्ल्ड में हैं, लेकिन उनका अभी हमें ये पता नहीं कि वो मैप पर कहाँ पर हैं। तो इसका एक वीडियो मैं अभी और लेकर के आऊँगा जिसमें ये मैं बताऊँगा कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है। वो केवल मैप का होगा थोड़ी देर का, तो आप उसको भी देखिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ज्वालामुखी से संबंधित सारे क्वेश्चन अब आपके हल होंगे और आप एक अच्छे से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो साथियों अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।